एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं कि अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट की यानी कि बॉयज़ की बात करी हो, बॉयज़ अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करते हैं तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, सबसे पहली बात। दूसरी मैं बताऊंगी कि कौन से ऑयल से मसाज करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे से पहले भी मैंने इसके बारे में सेपरेट एक वीडियो बनाई थी, बट वो बहुत पुराना वीडियो है तो हो सकता है कि वो बहुत लोगों के पास नहीं पहुंचता और वो काफ़ी पॉपुलर वीडियो भी था उस टाइम पे, तो इसीलिए मुझे लगा कि एक फ्रेश वीडियो बनानी चाहिए इसके बारे में, तो मैं इसीलिए ये वीडियो वापस से बना रही हूँ। जो प्राइवेट पार्ट की मसाज यानी कि जो पेनिस मसाज होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बॉयज़ के लिए। अगर आप अपनी इंटीमेट लाइफ को जोश के साथ और होशो हवास में विथ स्टैमिना विथ पावर इंजॉय करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास जो चीज़ है वो है आपका पेनिस, और उसको हमेशा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग की मैं बात इसीलिए करूँ कि उस पर 100% इरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रॉन्ग की बात मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार लूजनेस हो जाता है, बहुत बार बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप थक जाते हो, थकान आ जाती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप ठीक से वो मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं आपको वो कड़कपन महसूस नहीं होता, इसीलिए मैं लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग की बात करी हूँ। और इन सारी चीज़ों में एक चीज़ आपको बहुत हेल्प करता है वो है मसाज। जैसे हमारी पूरी बॉडी की सेपरेट मसाज होती है और वो उसके अलग अलग फ़ायदे होते हैं, जैसे फीमेल ब्रेस्ट की बात करूँ या फीमेल अलग अलग ऑर्गन्स की बात करूँ, उस पर अलग तरीके से स्टिमुलेट मतलब वो स्टिमुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन अलग से होती है जब सेपरेटली उस पर मसाज दी जाए। ठीक वैसे ही मर्दों के शरीर में अलग अलग अंग में अगर आप अलग अलग तरीके से मालिश करते हो यानी कि मसाज करते हो तो इससे बेनिफिट भी वैसा ही मिलता है। तो इसीलिए प्राइवेट पार्ट की मसाज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट के मसाज से ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होती है, प्राइवेट पार्ट में जो नसें की जो ब्लड वेजल्स हैं वो खुलता है, जिसकी वजह से इरेक्शन में हेल्प होती है। प्राइवेट पार्ट के मसाज से जो स्किन होती है वो हेल्दी रहती है, सिकुड़पन बहुत कम होता है। आप जब फ्रिक्शन देते हो तो उससे आपको रैश की प्रॉब्लम नहीं होती, स्किन स्मूथ रहती है, फंगल इन्फेक्शन से बचा रहता है। जिनको फोर स्किन पीछे की तरफ नहीं जाती, इनकी प्रॉब्लम होती है जिसको मेडिकल टर्म में फाइमोसिस कहा जाता है, उनमें भी प्राइवेट पार्ट की मसाज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और कई हद तक उन्हें हेल्प भी करता है। और अगर आप रेगुलर बेस पे प्राइवेट पार्ट पे मसाज करते हो ना तो ये आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस को, आपके प्लेजर के मतलब कि इसकी एक्सपीरियंस को ना और ज़्यादा बढ़ा देता है। ट्रस्ट मी, अगर आपको इसकी लत लग जाए ना तो फिर आपको प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं, अलग से आप कुछ महसूस करोगे अपनी बॉडी में। और मैं आपको बात करूँ ना, बहुत लोग बोलते हैं कि साइज़ को बढ़ाना है, साइज़ को बढ़ाना है, मेरा साइज़ ये है वो है। एक्चुअल साइज़ को बढ़ाया नहीं जा सकता उस लेवल पे, बट यस, साइज़ के छोटे या बड़े होने के साथ कहीं ना कहीं श्रिंकेज और कहीं ना कहीं इरेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर किसी को श्रिंकेज की प्रॉब्लम होती है तो साइज़ छोटा दिखता है, अगर किसी को इरेक्शन की दिक्कत होती है तब भी साइज़ छोटा दिखता है। तो ये जो प्राइवेट पार्ट की मसाज होती है ये उनके इरेक्शन प्रोसेस को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, इरेक्शन को बहुत अच्छे से मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि नसें जो होती है वो अच्छे से खुल जाती है तो ब्लड सप्लाई अच्छे से हो पाती है, प्रॉपर हो पाती है। जो डैमेज होते हैं, जो नर्व्स, जो वेन्स डैमेज होते हैं वो भी धीरे धीरे रिपेयर होना शुरू होते हैं, उसकी वजह से ब्लड फ्लो आता भी है, रुकता भी है, इसीलिए कड़कपन जो होता है वो मेंटेन रहता है। तो अब बात करते हैं कि आपको प्राइवेट पार्ट में मसाज देनी कैसी चाहिए। देखिए, देने का सिलसिला यही होता है कि आपको सिंपली कुछ बूंद तेल, कौन सा तेल यूज़ करना है वो मैं वीडियो के बाद में बता रही हूँ, आपको थोड़ा सा तेल लेना है अपने हाथों में। सबसे पहले ध्यान रखनी है, पहले तेल के बारे में ही बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं तेल के बारे में। तेल जो होता है ना, ऑयल जो होता है वो हमेशा आपको ऑर्गेनिक लेनी चाहिए या फिर आयुर्वेद बेस्ड कोई ऑयल ही यूज़ करना चाहिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑयल अवेलेबल हैं जो दावत तो करते हैं कि वो ये करेंगे वो करेंगे, बट उसमें इतने केमिकल्स होते हैं ना, वो आपके स्किन में एलर्जी पैदा करता है और भी साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। तो अगर आपको जाना ही है किसी तेल के साथ तो आयुर्वेद
ऑर्गेनिक ऑयल का इस्तेमाल ही हमेशा करें। मैंने अपने चैनल में बहुत सारे तेल के बारे में बात की है ऑलरेडी, अगर आप चाहो तो मैं, पर हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा। तेल अगर आपको इस्तेमाल करना है अपने प्राइवेट पार्ट में, क्लोव ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैतून का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो तेल होते हैं ना, ये प्राइवेट पार्ट के मसाज के लिए आइडियल होते हैं। तो अब तो बात कर ली कि कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल करोगे, या फिर आप कोई कॉम्बो इस्तेमाल करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मैंश्योर का ये ग्रो लॉन्ग ऑयल का इस्तेमाल करो। मैं हमेशा अपने चैनल में आयुर्वेद बेस्ड प्रोडक्ट ही सजेस्ट करती हूँ। आप चाहो तो आप इस प्रोडक्ट के बैक साइड को भी फॉलो अप कर सकते हो, यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। कोई भी हार्श केमिकल या कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल इसमें नहीं, कोई भी हर्ब्स का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया। इसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, केसर, जायफल के साथ साथ जो ऑयल का इस्तेमाल किया गया है वो है जिंजर ऑयल, लॉन्ग ऑयल, श्री गोपाल ऑयल, विंटर ग्रीन ऑयल। जितने सारे ऑयल के कॉम्बिनेशन इसमें मौजूद है वो प्राइवेट पार्ट के मसाज के लिए आइडियल होता है। अगर आप कन्फ्यूज हो कि आपको कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, तो आप एक बार इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आयुर्वेद बेस्ड ऑयल है और डेफिनेटली ये प्राइवेट पार्ट के इस्तेमाल करने के लिए है, तो बहुत ही सेंसिटिव होती है कोई भी चीज़, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देगा और मसाज में आपको एक स्मूथनेस महसूस होगी। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है और ट्रस्टेड ब्रांड है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप इसको वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। तेल के बारे में पता लग गया, अब बात करते हैं कि मसाज कैसे देनी है। ऑल थॉट के मान लीजिए कि यही आपका प्राइवेट पार्ट है, मुझे और कुछ आसपास मिल नहीं रहा, तो यही आपका प्राइवेट पार्ट है, तो मसाज कैसे देनी है। थोड़े से तेल आपको अपने हाथों में लेनी है, जस्ट उसको हल्के से रब करो ताकि वो हल्का सा वॉर्म हो जाए। और उसके बाद ये जो मान लीजिए आपका कैप सेक्शन है और ये आपका बेस सेक्शन है, तो हल्के हाथों से कैप सेक्शन से ऐसे बेस सेक्शन के तरफ आपको उसको ऐसे मसाज देनी है। और आप चाहो तो इसको रब नहीं करना है, सबसे पहली बात रब नहीं करना है, नहीं तो फिर आप मालिश करते करते डिस्चार्ज कर दोगे। जिनको पी की प्रॉब्लम है स्पेशली, उनका तो हो ही जाएगा। तो बिल्कुल स्मूथली हल्के हाथों से आपको टॉप टू बेस एंड बाद में बेस टू टॉप देनी है। अगर आप स्पेशली चाहते हो कि मसाज कैसे देनी है, तो इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, अगर वो उसकी लिंक मुझे मिल जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मसाज देने से जिनको फाइमोसिस की प्रॉब्लम है उनको बहुत रिलीफ मिलती है, क्योंकि फाइमोसिस के प्रॉब्लम में बहुत बार फोर स्किन जो होती है वो पीछे की तरफ नहीं जाती, खुलने में दिक्कत होती है, तो उनको रिलेशन बनाने में दिक्कत होती है। तो ये मसाज के थ्रू जब वो कैप टू बेस मसाज देते हैं हल्के हाथों से, तो धीरे धीरे स्किन जो होता है वो पीछे के तरफ जाना शुरू करता है और धीरे धीरे उनको इससे काफ़ी रिलीफ मिलती है। अदरवाइज़ मैंने पहले कहा कि इस मसाज से आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर होती है, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, एक अच्छा सा फीलिंग आपको महसूस होती है अगर आप मसाज के तुरंत बाद ही रिलेशन बनाने के लिए आते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी प्राइवेट पार्ट जो होती है वो प्रॉपर रेडी होती है, हार्ड होती है, उस टाइम पे आपका रिलेशन बिल्कुल अलग सा ही बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। अगर आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हो तो ritusarkar.com इज़ माई वेबसाइट आईडी, आप वहाँ विजिट कर सकते हो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करना चाहते हो तो ritudiary इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ मुझे फॉलो अप कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी मुझे बताना हो तो मेल आप मुझे कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है। थैंक यू।